जय श्री कृष्णा, मैं भारती शर्मा। आइए सुनते हैं आज की एकादशी की व्रत कथा। योगिनी एकादशी, जाने क्या है व्रत कथा, पूजन विधि और शुभ मुहूर्त। योगिनी एकादशी का व्रत करने से सारे पापों का नाश हो जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है। योगिनी एकादशी तिथि निर्जला एकादशी के बाद और देव शनि एकादशी से पहले आती है। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। 17 जून बुधवार को योगिनी एकादशी का व्रत है। ये व्रत रखने से भगवान विष्णु की कृपा होती है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से सारे पापों का नाश हो जाता है, समृद्धि प्राप्त होती है। इस व्रत को करने से मनुष्य स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है। योगिनी एकादशी का व्रत करने का महत्व 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाने के समान है। शुभ मुहूर्त, योगिनी एकादशी 17 जून 2020 तिथि का समय 16 जून 2020 को सुबह 5:40 पर प्रारंभ होगा और 17 जून 2020 को 4:50 पर समाप्त हो जाएगी। पारायण 18 जून 2020 को 5:28 सुबह से 8:14 सुबह तक रहेगा। पूजा की विधि, योगिनी एकादशी के दिन सुबह पहले घर की साफ सफाई करें और स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनें। बाद में भगवान श्री विष्णु की मूर्ति को स्थापित करें और फिर फूल चढ़ाएं, अक्षत नारियल और तुलसी पत्र अर्पित करें। उसके बाद पीपल की पेड़ की पूजा भी आप कर सकते हैं। योगिनी एकादशी का व्रत की कथा सुने और अगले दिन पारायण कर दें। व्रत कथा, स्वर्ग की अलकापुरी नगरी में कुबेर नामक एक राजा रहता था। कुबेर भगवान शिव का भक्त था। वो हर दिन भोलेनाथ की पूजा करता था। राजा की पूजा के लिए हेम नामक एक माली फूल लेकर आता था। हेम माली की पत्नी का नाम विशालाक्षी था, जो एक अत्यंत सुंदर स्त्री थी। फिर एक दिन माली सरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन कामासुर होने की वजह से अपनी पत्नी से हास्य विनोद करने में व्यस्त हो गया और राजमहल नहीं गया। दूसरी तरफ राजा माली का दोपहर तक इंतजार करता रहा। इसके बाद राजा कुबेर ने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ, माली अब तक क्यों नहीं आया, इसका पता करो। सैनिकों ने लौटकर राजा को बताया कि माली बहुत पापी और अतिकामी है, वो अपनी पत्नी के साथ हास्य विनोद में लगा है। ये सुनकर राजा कुबेर क्रोधित हो गए और माली को तुरंत उपस्थित करने का आदेश दिया। फिर हेम माली राजा डर के मारे से कांपता हुआ राजा के पास आया। राजा कुबेर ने माली को श्राप देते हुए कहा, अरे नीच पापी कामी, तू देवों के देव महादेव का अनादर किया है तुमने। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू पत्नी के वियोग में तड़पेगा, मृत्यु लोक में जाकर तू कोढ़ी हो जाएगा। फिर मृत्यु लोक में आकर हेम माली ने बहुत सारे कष्ट सहे। एक बार तो भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के हेम माली भटकता रहा। फिर वह ऋषि मार्कंडेय के आश्रम में जा पहुंचा। उसने ऋषि को अपनी कहानी बताई। ऋषि यह सुनकर बोले, तूने मुझे सत्य बात बताई है, इसीलिए मैं तुझे उद्धार के लिए एक व्रत बता रहा हूँ। अगर तुम योगिनी एकादशी का विधि विधान से व्रत करोगे तो सभी पापों का विनाश हो जाएगा। ये सुनकर माली ने ऋषि को प्रणाम किया और विधिपूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत रखा। फलस्वरूप हेम माली दोबारा स्वर्ग गया और अपनी पत्नी के साथ सुख से रहने लगा। तो ये थी आज की एकादशी की व्रत कथा। आपकी एकादशी सफल हो, इसी शुभकामना के साथ भारती शर्मा कहती। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाली सभी एकादशियों की कथा आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।